हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आया हूँ सेंट्रल विस्टा एवेन्यू, जो कि विजय चौक से लेके इंडिया गेट के बीच में बना है। इसकी लंबाई 3.2 किलोमीटर है। अभी जस्ट मैं एंटर किया हूँ। ये काफ़ी अच्छा पार्क है और इसमें मतलब काफ़ी भव्य मूर्ति लगाई गई है नेताजी सुभाष चंद्र की। तो चलिए फ्रेंड्स की इसकी सैर करते हैं बिना रुके। तो चलिए फ्रेंड देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने अभी जस्ट इंटर किया है। देखिए अभी सुबह का मौसम है और कितना अच्छा नज़ारा है, आप देख सकते हैं। अभी दिल्ली की अभी मॉर्निंग वॉक ही चल रही है, तो आप खुद देख सकते हैं कितना। यहाँ देख सकते हैं कि सेंट्रल विस्टा एवेन्यू प्रोजेक्ट में क्या क्या चीज़ें ऐड हुई हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, इसमें आपको नई नहरें, लॉन्स एंड पैथवे एंड काफ़ी चीज़ें बनी है, जो विजय चौक से लेके आपको इंडिया गेट तक देखने को मिलेंगी। इसके बाद आप फ्रेंड्स आप ये भी देख सकते हैं, ये राजपथ है। आप देखिए, पहले ये ऐसा था बट इसको रेनोवेट करके अब कुछ इस तरह का दिख रहा है ये। और इसका नाम, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, इसका नाम अब राजपथ से बदल कर कर्तव्य पथ भी हो चुका है। देखिए फ्रेंड्स, ये कैनाल रेनोवेट की गई है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंडर। आप देख सकते हैं ये काफ़ी लंबी है। चलो वहाँ और देखिए कितनी अच्छी इसमें सजावट की गई है फूलों की भी। देखिए फ्रेंड्स, ये राजपथ से इंडिया गेट जाने के लिए ये अंडरपास बनाया गया है। ये मतलब आपको रोड क्रॉस करने की जरूरत नहीं है, अब आप डायरेक्ट अंडरपास से जा सकते हैं। या आप जैसे अगर आप बाईसाइकिल से आए तो आप उससे भी आप आ सकते हैं यहाँ से। देखिए फ्रेंड्स, मैं फाइनली अंडरपास को क्रॉस करके इंडिया गेट पहुंच चुका हूं। देखिए ये रोड है बट आप डायरेक्ट अंडरपास के थ्रू आ सकते हैं, क्योंकि ये देखिए फ्रेंड्स, ये इसमें ये चीज़ आपको नहीं देखने को मिलेंगी कि जैसे एक अच्छे मतलब पत्थर लगाए गए हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं अभी दोबारा मैंने विज़िट किया है मैंने इंडिया गेट पे। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि कितनी लाइटिंग हो रही है। मैंने यही दिखाने के लिए दोबारा विज़िट किया। आप देखिए कितना अच्छा लाइटिंग हो रहा है यहाँ पार्क्स में, हर चीज़ में। मैं अपने फ्रेंड्स के साथ आया हूँ दोबारा। आप देख सकते हैं कि ये देखिए नेताजी सुभाष चंद्र जी की मूर्ति है काफ़ी दूर से, कितनी अच्छी लग रही है लाइटिंग में। और मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि जैसे अगर आप रात में विज़िट करें तो काफ़ी आपको अलग ही एक्सपीरियंस मिलेगा। आप देखिए इंडिया गेट पे कितनी अच्छी आपको एक लाइटिंग दिख रही है। तो आप ये देख सकते हैं, ये फाउंटेन है जिसमें हमारे मतलब कभी इतना अच्छा लाइटिंग लगा रखा है, ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। मतलब आप रात में ज़रूर विज़िट करिए, क्योंकि काफ़ी अच्छी लाइटिंग होती है यहाँ। जैसे कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन है, काफ़ी अच्छी है लाइटिंग लगा रखी है। देखिए कितनी भीड़ भी है, देख सकते हैं काफ़ी।